हमें एक सिग्नल मिला है। Oh my God! ये कोई मामूली सिग्नल नहीं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है, तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 11 की मूवी से, जिसका नाम है मैडम वेब। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 4/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जूलिया नाम की एक लड़की की, जिसे कुछ दिनों से बहुत ही अजीब तरह के सपने आने लग जाते हैं। वैसे में जूलिया को लगता है कि उसके ये सपने नॉर्मल है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन जूलिया के ये सपने हकीकत में बदल जाते हैं, क्योंकि वो आदमी सही में जूलिया के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। और ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि इसके पास सुपर पावर है, ये स्पाइडर की तरह दीवारों पे चढ़ सकता है। और ये आदमी जूलिया के साथ साथ और भी 3 लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है उन्हें मारने के लिए। और ऐसे में जूलिया डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके उन 3 लड़कियों की जान बचाएगी। तो आखिर क्या वो उन लोगों की जान बचा पाएगी, और आखिर वो आदमी कौन है और इन्हें क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की आईएमडीबी रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आपको सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 10 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द लिक्विडेटर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि शहर में एक के बाद एक मासूम लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता जाता है। अब ऐसे में ये सीरियल किलर कोई नॉर्मल किलर नहीं है, क्योंकि ये किलर मर्डर करने के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि इसे पकड़ा जा सके, और इसी वजह से ये किलर को आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक डिटेक्टिव की, जिसे सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। अब ऐसे में क्या ये डिटेक्टिव सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो किलर कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है दी गोल्डन कंपस। ये 2009 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लायरा नाम की एक लड़की की, जो कि अपने अंकल के साथ अपने घर पे रहती है। अब ऐसे में एक दिन लायरा के अंकल एक गोल्डन कंपस की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम होने के बाद भी वो अपने घर पे वापस नहीं लौटते, जिसकी वजह से लायरा खुद ही डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाके अपने अंकल को ढूंढेगी और पता लगाएगी कि आखिर उसके अंकल इतने दिनों तक कहां गायब हो गए थे। अब ऐसे में लायरा निकल जाती है अपने अंकल को ढूंढने के लिए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर उसे अपने अंकल को ढूंढना है तो उसे उस गोल्डन कंपस को हासिल करना होगा। अब आखिर ये गोल्डन कंपस क्या है, और आखिर क्या लायरा अपने अंकल को ढूंढ पाएगी, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी फैंटेसी चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का एडवेंचर, मैजिकल, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी फैंटेसी मूवी के अंदर चाहिए। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा, तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है ओवरकमर। ये 2019 में रिलीज हुई एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ना नाम की एक लड़की की, जिसका बचपन से सपना होता है एक स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उसे अस्थमा की बीमारी है जिसके चलते वो कभी भी स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के कोच की, जो कि डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके हेना को ट्रेन करेगा ताकि वो अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके और एक रनिंग स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसी बीच इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मोटिवेशन वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है सी फेवर। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7/10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है साइबर नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन एक बोट में बैठ के बीच समंदर में जाती है ताकि वहां पे जाके वो समंदर के जीवों के ऊपर रिसर्च वगैरह कर सके। अब ऐसे में ये लोग अपने बोट लेके समंदर में चले जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच समंदर में जाने के बाद अचानक से इनकी बोट एक जगह के ऊपर जाके अटक जाती है। और जब साइबर बोट से नीचे उतर के देखती है, वो देखती है कि एक बहुत ही अजीब तरह का मिस्टीरियस क्रिएचर है जिसने उसकी पूरी बोट को बांध के रखा है। और अब ऐसे में ये क्रिएचर एक एक करके बोट में बैठे सारे लोगों को जान से मारने लग जाता है। और ऐसे में ये लोग एक ऐसी जगह के ऊपर फंसे हुए जहां पे उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती। तो ऐसे में ये क्रिएचर कौन है और यहां पे
कैसे आया और आगे मूवी में ये लोग क्या यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एड ड्रिफ्ट। ये 2018 में रिलीज हुई एक रोमांस एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रिचर्ड नाम के एक आदमी की, जो कि लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह के पहुंचाने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन रिचर्ड को एक बोट को शहर से बाहर निकालने का काम मिलता है और इस काम के बदले रिचर्ड को अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ के साथ निकल जाता है अपने इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब बीच समंदर में जाने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और ऊपर से इनकी बोट भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से बोट में धीरे धीरे करके पानी भरने लग जाता है। अब ऐसे में ये लोग बीच समंदर में फंसे हुए जहां से इन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती और ऊपर से ना तो इनके पास ज्यादा दिनों का खाना है ना ही पानी, तो आखिर ये लोग यहां पे कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मुझे पता है मैंने इस मूवी को पहले भी लिस्ट के अंदर ऐड किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा, तो जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा उनके लिए हाईली रिकमेंड रहेगी कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डिविजेंट। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की वजह से अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी वजह से बचे कुछ इंसानों ने पॉल्यूशन से बचने के लिए शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें लगा के रखी है ताकि कोई भी शहर से बाहर ना जा सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है क्रिस नाम की एक लड़की की, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और अब उसे डिसाइड करना होगा कि आखिर वो क्या बनना चाहती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट बताया जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग क्रिस के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब आखिर ये लोग कौन है और आखिर क्रिस को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की डिस्टोपियन मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है शूट एम अप। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है स्मिथ नाम के एक आदमी की, जो कि एक औरत को देखता है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए होते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में स्मिथ उस औरत को बचाने के लिए तो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस औरत को नहीं बचा पाता। लेकिन जैसे जैसे करके वो उसके बच्चे को बचा लेता है और ऐसे में स्मिथ डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस बच्चे की जान बचाएगा, क्योंकि उसने मरने से पहले उसकी माँ से वादा किया था कि वो हमेशा उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। अब ऐसे में वो सारे लोग उस बच्चे के साथ साथ स्मिथ के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो ऐसे में स्मिथ अपने आप को और उस बच्चे की जान कैसे बचाएगा, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भाई मूवी के अंदर आपको लिटरली नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन देखने को मिले देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है विंसेंट एंड रॉक्सी। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है विंसेंट नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन एक लड़की से मिलता है जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए होते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में विंसेंट उस लड़की की जान तो बचा लेता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ये सब करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उस लड़की के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर पड़े हुए उसे मारने के लिए और अब ऐसे में वो लोग सारे विंसेंट के भी पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में विंसेंट अपने आप की और उस लड़की की जान कैसे बचाएगा जिसे अब वो प्यार करने लग चुका है, और आखिर वो लोग कौन है जो कि इन दोनों को मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जिसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्पाई टाइम। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एरिस नाम के एक एजेंट की, जिसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े मिशन पूरे किए जिसके चलते बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बने पड़े। अब ऐसे में एरिस का एक बेटा भी है, लेकिन वो कभी भी अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं जाता, क्योंकि अगर वो अपने बेटे से मिलने गया तो उसे डर है कि उसके सारे दुश्मन उसके बेटे के पीछे पड़ जाएंगे उसे मारने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन सही में ऐसा हो जाता है, क्योंकि एरिस के पुराने दुश्मन एरिस के बेटे को किडनैप कर लेते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में एरिस अपने बेटे को कैसे बचाता है और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको एक्शन कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है दी मैन फ्रॉम टोरंटो। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है टेडी नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए एक अपार्टमेंट को बुक करता है, लेकिन गलती से वो एक दूसरे अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है जहां पे एक बहुत बड़ा हिटमैन आने वाला होता है और वहां के सारे लोगों को अब यही लगता है कि टेडी ही वही हिटमैन है जो कि यहां पे आने वाला था। और इसी बीच अचानक से वहां पे पुलिस के भी रेड पड़
जाती है, जिसके बाद वो लोग टेडी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि टेडी ही वो हिटमैन है जिन्हें वो यहाँ पे पकड़ने के लिए आए थे। अब ऐसे में टेडी जो कि एक सीधा साधा आदमी है, वो इन सारी मुसीबतों में कैसे फंस गया और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भाई लिटरली मूवी काफी कमाल की है, आप इस लिस्ट की किसी मूवी को देखो ना देखो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।